बात करेंगे हैदराबाद की, जहां की फिजा में ओवैसी ने उन बयानों का जवाब दिया जहां बीजेपी ने रोहिंग्या की मौजूदगी से लेकर जिन्ना तक का सवाल खड़ा किया था। ओवैसी ने पूछा कि रोहिंग्या है तो करो कार्रवाई। MIM इज अ मुस्लिम ओनली पार्टी विच वॉन्ट्स टू मेक हैदराबाद ऑफ इंडिया लुक लाइक हैदराबाद ऑफ पाकिस्तान। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है, ये हैदराबाद और भाग्य नगर की लड़ाई है। इफ यू वोट फॉर ओवैसी हियर, ओवैसी बिकम स्ट्रांग इन महाराष्ट्र। इफ यू वोट फॉर ओवैसी हियर, ओवैसी बिकम स्ट्रांग इन बिहार। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. Oh, Asaduddin OIC Jinnah ban gaye. Manlis court dena mulke mufaad mein nahi hai. मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे हैं। शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। ओवैसी ने हैदराबाद आने वाले बीजेपी नेताओं को दावत दे डाली। एक रेस्टोरेंट का नाम देकर कहा कि वहां की बिरयानी का लुत्फ उठाएं। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अलहमदुल्ला की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। किले गोलकुंडा आए जाकर देखो, खाने की चीजें खाओ, जो खाते खाओ, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा सिवाय शेरवानी के, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं इनू कर रहे, इनू कर रहे, इनू कर रहे।